फ्रेंड्स, मेरा नाम है शर्वरी और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक ढाबा स्टाइल महाराष्ट्रियन रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। आप मेरी रेसिपीज देखते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो, शेयर करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और एक बात कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर रही हूँ, तो उसका नाम जस्ट ऑथेंटिक से शर्वरीज हेल्दी किचन होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शर्वरीज हेल्दी किचन। आज की हमारी रेसिपी है अक्खा मसूर फ्राई। तो इसके लिए हमें चाहिए ये मसूर, साबुत मसूर की दाल, एक छोटा प्याज स्लाइस, एक छोटा टमाटर, सूखा नारियल बारीक कटा प्याज, गरम मसाला, जीरा और खसखस, हल्दी, हींग, जीरा और राई, यहाँ पे मैंने रख दिया है छोटे टुकड़े 7 से 8 अदरक के, लहसुन के 7 कलियाँ, ये तेज़पत्ता, कड़ी पत्ते और ये महाराष्ट्रियन कांदा लहसुन मसाला। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले रख दिए हैं, उसमें है 1/2 चम्मच शाही जीरा, ये है जावित्री का एक छोटा टुकड़ा, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, 3 लौंग और 5 काली मिर्च। तो सबसे पहले हमें ये मसूर दाल को धो के कुकर में पकाना है। तो मैंने पहले से पका के रख दिया है, तो हम पहले चेक करेंगे। इसकी मैंने 2 सीटियाँ निकाली थी, पक चुकी है मसूर दाल। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ के पहले मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच तेल डाला हुआ है। तो सबसे पहले इस तेल में हम डालेंगे ये खड़े मसाले। तेल में मैंने ये सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं और तुरंत ही उसके ऊपर हम डालेंगे ये स्लाइस प्याज, इसको फ्राई करना है। प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे ये 1/2 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 1/2 चम्मच खसखस। उसी में हम डालेंगे ये 1 टेबलस्पून सूखा नारियल, इसको 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। मसाला मैंने पीस दिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक और लहसुन, फिर से इसको हम पीस देंगे। हमारा मसाला तैयार है और यहाँ पे जिस कढ़ाई में हमने मसाले भुने थे, वहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तेल रख दिया है। मैंने लिया है ग्राउंडनट ऑयल, आप कोई भी तेल ले सकते हो और कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो सबसे पहले हम उसमें डालेंगे राई और जीरा 1/2 चम्मच। उसके बाद हमें उसमें डाल देना है ये कड़ी पत्ते और तेज़पत्ता, 1 तेज़पत्ता लिया है मैंने। उसी में हम डालेंगे ये बारीक कटा प्याज 1 टेबलस्पून, इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। इसको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज भून चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और हींग, जो हमने मसाले पीसे थे वो। इसको मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक चलाएंगे। और इसमें हम डालेंगे महाराष्ट्रियन कांदा लहसुन मसाला, मतलब चटनी, 2 बड़े चम्मच लिए हैं मैंने। अब हम इसमें डालेंगे ये अक्खा मसूर, मतलब मसूर दाल। तो
इसमें हम डालेंगे पानी, पहले इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक टेस्ट के अनुसार डाल देना है और ऊपर से डाल देना है ये टमाटर, एक टेबलस्पून टमाटर, थोड़ा सा गरम मसाला, इसको बस उबलना है। हमारा अक्खा मसूर फ्राई तैयार है, तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तैयार है हमारा ढाबा स्टाइल अक्खा मसूर फ्राई, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।